हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऐसा फ्रूटिंग प्लांट लेकर आई हूं जो आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं और बहुत सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो आज मैं किन्नू के प्लांट के बारे में बात कर रही हूं। किन्नू एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अपने टेरेस में आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने ज़मीन पर लगाया है तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी, एक छोटे ट्री का रूप ले लेता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग देता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अपने टेरेस में भी इस फ्रूटिंग प्लांट को लगा सकते हैं और आसानी से फ्रूटिंग ले सकते हैं। मेरे पास भी दो किन्नू के प्लांट हैं और जिसमें कि बहुत अच्छी भर भर के फ्रूटिंग आती है और बहुत थोड़ी सी केयर से आप इससे किन्नू के प्लांट से फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये मेरा जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें सबसे फेवरेट प्लांट है, क्योंकि इसमें अगर आपने अपने टेरेस में लगाया तो आपको फ्रूट तो ये देगा ही देगा, थोड़ी सी केयर आपको बस करनी होगी। तो ये मेरे लगभग 3 से 4 साल पुराने किन्नू के प्लांट हैं। पहली बार में तो ये छोटे प्लांट थे तो इसमें किन्नू नहीं आए थे, लेकिन जब इसका दूसरा साल था तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आई थी। स्टार्टिंग से इस प्लांट में ज़्यादा फ्रूटिंग आती है और जो दूसरा वाला मेरा प्लांट है उसमें कम फ्रूटिंग आती है। तो इस बार मैंने उसकी बहुत केयर की थी लेकिन फ्रूट तो बहुत आए, लेकिन इस बार फ्रूट उसके ड्रॉप हो रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, वो बारिश हो गई है, शायद ओवर वाटरिंग हो गई है, इसलिए फ्रूट इसके सारे छोटे ही फ्रूट ड्रॉप हुए जा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इस अगर आप ये सिट्रस फैमिली का प्लांट है, ये ज़्यादातर पंजाब के एरिया में लगाया जाता है, और लेकिन आप इसको अपने टेरेस में भी लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं। इस प्लांट की आज मैं केयर टिप्स के बारे में आपको बता रही हूँ कि इसको आपको कैसे अपने टेरेस में केयर करना है। जैसे मैंने केयर की है इन कई सालों में, तो आप भी केयर करके फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें डाई बैग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो सिट्रस फैमिली के सारे प्लांट्स में होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें टाइम टू टाइम जब आप इसमें नवंबर दिसंबर में फ्रूटिंग ले लेते हैं तो उसके बाद आपको, क्योंकि दिवाली के टाइम से इसमें फ्रूटिंग पकनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम लगभग फ्रूट पक चुके होते हैं, तो आपको नवंबर दिसंबर में फ्रूटिंग आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसमें तुरंत ही नई लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती है, तो तभी फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको सूखी टहनियों को कट कर देना, ये देखिए इस तरह से, ये जो आपकी सूखी टहनियाँ हैं, इस तरह से ये सूखी टहनियाँ हैं, इनको आपको कट करते रहना है, इनको कट कर देना है और इनको नहीं रखना है। और जितनी भी आपको ज़्यादा इसको प्रून नहीं करना है। प्रून इसलिए नहीं करना है क्योंकि सिट्रस जो फैमिली के प्लांट होते हैं, नींबू और ये संतरे, तो इनमें डाई बैग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो डाई बैग ना लगे, अगर आप थोड़ा बहुत प्रून करते भी हैं तो आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। फंजीसाइड जिस भी टहनी को काटिए तो फंजीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। तो ये सूखी टहनियाँ आपको सब कट कर देनी है। तो इनको अभी फ्रूट लगे हुए हैं तो मैंने अभी कट नहीं किया है, और इसमें पानी ज़्यादा हो गया इस प्लांट में, इस वजह से इसमें सूखी टहनियाँ आपको काफ़ी दिख रही हैं, और देखिए इसमें नहीं है। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप ये फ्रूटिंग लेने के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद, इसमें आपको सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, रूट के आसपास यहाँ पे जाला हो जाता है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से मेन रूट नहीं कट करनी है, इनके आसपास आपको ये जो महीन जाले हैं ये सब आपको हटा देने हैं। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि इस समय फ्रूट आए हुए हैं, तो आपको इसके एरिया में चारों तरफ एक राउंड बना लेना है, और उसके बाद इसके चारों तरफ आपको रूट का एक जाला सा तैयार हो जाता है, उसको हर दो सालों में आपको वो जाला हटा देना है। और हर 2 सालों में आपको ये करना है, क्योंकि पिछले साल मेरे प्लांट में फ्रूटिंग कम आई थी, तो मैंने इस साल इसमें किया है तो फ्रूटिंग काफ़ी आई है। तो इसको जाले को हटा देना है, 2 इंच लगभग इसको गड्ढा खोदना है, चारों तरफ से खोद लेना है, जाड़ों का जाला हटा देना है। और आप इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनपीके होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। फिर आपको मिट्टी से उसको ढक देना है गोबर की खाद को और जाला हटा के, जिससे कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट उसको मिल जाएंगे, नाइट्रोजन रिच खाद हो जाएगी, जिससे कि उसमें अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो अच्छे से आपको उस टाइम खाद दे देना है फ्रूटिंग लेने के बाद। तो आपको ये सब काम करना है। और जितने भी इसमें वाटर स्प्राउट निकले हैं, वाटर स्प्राउट आपको दिखाते हैं, ये इसकी टहनियाँ चपटी होती हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चपटी टहनियाँ हैं, ये राउंड नहीं मिलेंगी आपको, ये चपटी मिलेंगी ऐसे टहनियाँ। ये काफ़ी हेल्दी होंगी, इस ग्रीन होंगी और इसमें बहुत ज़्यादा लीफ होंगी और इस पर फ्रूटिंग भी नहीं आई होगी। ये देखिए, इसमें फ्रूट नहीं आए हुए हैं, ये सारी चपटी टहनियाँ हैं, ये देखिए, बिल्कुल चपटी टहनियाँ हैं, ये इसमें फ्रूटिंग नहीं आई होती है। इनको सबको आपको कट कर देना है, जितने भी मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी काफ़ी टाइम से। ये वाटर स्प्राउट कहते हैं इनको, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट से लेती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ज़रूरी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं और बहुत हेल्दी आपको दिखाई देंगी। इनको आपको टाइम टू टाइम कट करना होगा, तो इनको ज़रूर कट करिए जिससे कि ये प्लांट का न्यूट्रिएंट ना ले पाए, फ्रूट बढ़ाने में न्यूट्रिएंट सारा जाए, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिएंट यही ले लेती हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और गोबर की खाद देने के बाद मैंने इसमें जो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फ्रूट जब बन जाते हैं, आपको जब भी फ्लावरिंग आए तो आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। वाटर अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो सारी फ्लावरिंग झड़ जाएगी। और इसको हमेशा वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं पसंद होती है और कम पानी भी नहीं पसंद होता है। तो आपको एक बैलेंस पानी इसमें देना है। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आपको रेत का इस्तेमाल करना है, कोको पीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन रहेगी, पानी रुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और पॉट का साइज़ काफ़ी बड़ा लेना है, जिससे कि आप किन्नू अच्छे से ले पाएँ अपने टेरेस में। तो हमेशा 18 इंची से बड़ा पॉट लीजिए, पॉट का साइज़ का बहुत ध्यान रखिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे फ्रूट ले पाएंगे। और मैं हमेशा जब फ्रूटिंग आ जाती है उसके बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं, फ्रूट का साइज़ फ्रूट बन जाते हैं हमारे, तो मैं गर्मियों में हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जब फ्रूट्स बन जाते हैं मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे फ्रूट का साइज़ बहुत अच्छा एकदम से तेज़ी से बढ़ता है और गिरता भी नहीं है। तो फ्रूट का साइज़ उस समय आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सरसों की खली का दे सकते हैं। फिर मैं उसका सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, हर 15-15 दिन में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इस तरह से आप भी दे सकते हैं। गर्मियों में मैं ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसके बाद अब जब फ्रूट का साइज़ मीडियम साइज़ का हो गया है, तो अब मैंने फ्रूट का साइज़ और बड़ा करने के लिए मैंने मल्टी न्यूट्रिएंट दिया है। ये मार्केट में मल्टी न्यूट्रिएंट आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट करके आता है, जिंक का मल्टी न्यूट्रिएंट आता है, गोल्ड रिच का। ये मैंने, आप पानी में लिक्विड घोलकर भी डाल सकते हैं और ऐसे ही दे सकते हैं। एक पॉट में लगभग 2 बड़े चम्मच आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका फ्रूट का साइज़ काफ़ी अच्छा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने टेरेस में ढेरों फ्रूट ले सकते हैं। तो आप अगर फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप अपने टेरेस में किन्नू का प्लांट ज़रूर लगाइए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।